बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धरने पर बैठ गए हैं और आपको बता दें टिकट कटने के बाद धरने पर बैठे भैरव प्रसाद मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में धरने पर बैठे हैं भैरव प्रसाद मिश्रा। बांदा में बीजेपी ने भैरव प्रसाद मिश्रा का टिकट काट दिया है, जिस वजह से नाराज होकर भैरव प्रसाद मिश्रा धरने पर बैठ गए हैं। बांदा से बीजेपी ने आर के पटेल को अब उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। आलाकमान से भैरव प्रसाद मिश्रा ने सवाल भी पूछा, नाराज होते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर टिकट कटने की वजह जो है वो आलाकमान बता दे, कुछ बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि आलाकमान ने अब तक कोई वजह साफ नहीं की है, और जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भैरव प्रसाद मिश्रा जो है वो बैठ गए हैं। अब ऐसे में देखिए 2019 के चुनावों से पहले अगर कोई सांसद फिलहाल आपको, और दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आर के पटेल को टिकट मिला है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नए प्रत्याशी के तौर पर आर के पटेल को बांदा से टिकट दिया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर धरने पर भैरव प्रसाद मिश्रा जो हैं वो बैठ गए हैं, बेहद नाराज चल रहे हैं। 2019 के चुनावों से पहले नुकसान भी हो सकता है बीजेपी सरकार को इसका, क्योंकि बेहद कद्दावर नेता कहे जाते हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि भैरव प्रसाद मिश्रा अगर राजधानी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर बैठे हैं तो नुकसान हो सकता है, और टिकट कटने के बाद भैरव प्रसाद मिश्रा धरने पर बैठे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैंने पूरा अपनी ड्यूटी का पूरा निर्वाह किया, पूरे 5 साल तक लगातार एक भी दिन हाजिर नहीं रहा हूँ, पूरा 100% उपस्थिति के साथ। हर कोई जो है टीवी चैनल से मुझे पुरस्कार भी, फिल्म इंडिया एशिया कोर सर्वे से सबसे सक्रिय सांसद का पुरस्कार भी मुझे मिला, और 2005 में मेरी डिबेट है जो आज तक के संसदीय इतिहास में सर्वाधिक है, और उसको पूरा मैंने 5 साल तक संसदीय दायित्व का निर्वाह करने काम किया, और लगातार अपने पूरे क्षेत्र में मैंने लगातार हर जगह, हर विधानसभा में कार्यालय मेरे, जो दोनों जिले में मेरे कार्यालय, और लगातार मैंने वहां पर काम करने का जनता का काम किया है, और लोगों के बीच में मेरी पूरी तैयारी और सब कुछ करके लोगों ने यही मान के चल रहे थे कि नहीं मुझे ही चुनाव लड़ना है, मैं भी मान के चल रहा था और पूरी तरह से तैयारी बना के पूरा आधा क्या बुरा 2/3 चुनाव मेरा हो चुका, और उसके बाद इस तरह से उनको उन्होंने पार्टी ने करने का काम किया है, जिसके प्रतिकार के रूप में मैं आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरने में बैठा हूँ और मैं अपने पार्टी से न्याय चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आपकी टिकट काट दी गई? कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। यही पूछने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अपने माननीय हमारे जो और नेतागण हैं, मैं उनसे यही पूछने के, न्याय पाने के लिए आज यहाँ बैठा हूँ, और निश्चित काल तक बैठा रहूंगा जब तक मेरी शंकाओं का, मेरी बातों का वो समाधान नहीं कर देते, मुझे इसमें बहुत बड़ी संख्या लगती। तो देखा आपने भैरव प्रसाद मिश्रा किस तरीके से नाराज चल रहे हैं, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर बैठ गए हैं, अब ऐसे में किसको कितना नुकसान होगा। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से देखा जाए। अतुल जी, जी ये वाकई कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के बीच के भीतर अंदर अंतर कलह का एक कार्यक्रम है। मैं खुद बांदा का रहने वाला हूँ, और बांदा चित्रकूट दो जनपदों को मिलाकर एक संसदीय सीट है। भैरव प्रसाद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के 2014 में चुने गए वहाँ सांसद, उसके पहले विधायक थे। आर के पटेल को उन्होंने हराया था 2014 में। आर के पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हारे थे। आर के पटेल के बारे में कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग से हैं, कुर्मी जो मतदाता हैं बहुत प्रभावी हैं, उस बिरादरी से आते हैं, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो सीमावर्ती जो इलाका है वहाँ पर बहुत प्रभावी हैं। और 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसके पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आर के पटेल सपा से पहले भी बसपा में थे, तो ये सब दल का पानी पीकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। और भैरव प्रसाद मिश्रा की जो नाराजगी है, नाराजगी बहुत वाजिब है, क्योंकि जनसंघ के जमाने से अगर हम इतिहास देखें तो 6 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है। अविभाजित बांदा जिला हो या बांदा चित्रकूट संसदीय लोक क्षेत्र हो, यहाँ पर कांग्रेस के 2 बार सांसद रहे हैं और 6 बार जनसंघ के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, और ये 8 के 8 सांसद ये ब्राह्मण हुए हैं। ब्राह्मण बिरादरी के अलावा कोई और व्यक्ति यहाँ पर सांसद नहीं बन पाया है। इस बार उमा भारती ने झांसी सीट छोड़ दी, और वहाँ पर अनुराग शर्मा जो बैद्यनाथ दवाएं वाले हैं, उनके परिवार से एक व्यक्ति है अनुराग शर्मा, उसको टिकट मिल गया है। तो अब अगर झांसी इन्होंने ब्राह्मण दे दिया है, तो बांदा इन्होंने ओबीसी रखना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि बांदा में इनका जो मुकाबला है अब भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व जो अभी मौजूदा सांसद हैं इलाहाबाद से, श्यामा शरण गुप्ता जो सपा से आए थे वापस सपा में चले गए, पहले इलाहाबाद से सांसद बने थे, अब बांदा चित्रकूट से संसदीय सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं सपा के टिकट पर। तो बहुत तगड़ा मुकाबला अब होगा,
और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सीट अपनी बचा पाती है तो ये उसके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो बांदा चित्रकूट विधान जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत बड़े दो जिले हैं, और कांग्रेस ने डाकू ददुआ के सगे छोटे भाई बाल कुमार पटेल जो समाजवादी पार्टी से सांसद हुआ करते थे उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अब पटेल जब आपस में लड़ेंगे वोट उनका बटेगा, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्यामाचरण गुप्ता जो श्याम बीड़ी वाले हैं, उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, उनके जीतने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आरके पटेल यहाँ से बहुत कंफर्टेबली जीत पाएंगे ये मुझे डाउट है। भैरव प्रसाद मिश्रा के साथ गलत हुआ ऐसा मुझे लगता है, हालांकि भैरव प्रसाद मिश्रा ने बांदा चित्रकूट में कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, विकास पुरुष हो, दूध दही की नदियां बहा दी हो और बड़ा उद्योग कर दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। भैरव प्रसाद मिश्रा के अपने सगे छोटे भाई दिनेश मिश्रा से नहीं पटती, परिवार में ही एका नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का टिकट अगर कटा है तो मैं इसको भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति ही कहूंगा, उनकी रणनीति कहूंगा, लेकिन हाँ बीजेपी के लिए अब स्थितियां थोड़ी जटिल हो गई हैं। आप जैसे कि बता रहे हैं कि फिलहाल ये जो सीट है बहुत कड़ा मुकाबला होगा, नफे नुकसान की बात कीजिए, क्योंकि अगर किसी भी पार्टी का टिकट काटा जाता है, किसी भी बंदे का टिकट काटा जाता है, ऐसे में नफा नुकसान की बात कीजिए, कितना नफा नुकसान होता है वो फिलहाल बीजेपी को नजर आ रहा है। हाँ, ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी देखने को मिलेगी, ब्राह्मण मतदाता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं उनकी नाराजगी होगी। और कहा जा रहा था कि एक पत्रकार हैं रमेश अवस्थी भी एक तगड़े दावेदार के तौर पर जाने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन रमेश अवस्थी जो हैं अब उनको भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। तो आरके पटेल क्या कमाल कर पाएंगे ये तो 23 मई को ही पता लगेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती बांदा चित्रकूट में। और रही बात बगावत से होने वाले नतीजों की, तो भैरव प्रसाद मिश्रा का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन जमीनी लेवल पे बहुत बहुत मजबूत होता है, लेकिन जो ब्राह्मण मतदाता है, जो सवर्ण मतदाता है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, वो आरके पटेल को वोट देंगे, इस बात में मुझे शक जरूर है। और ऐसे में जो श्याम बीड़ी के जो मालिक है समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्यामाचरण गुप्ता, जो बहुत पैसे वाले हैं, आरोप लग रहे हैं कि पानी की तरह पैसा बहाते हैं बहा रहे हैं, तो उनकी जीतने की जो संभावनाएं हैं वो बीजेपी से मुझे ज्यादा प्रबल लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।